टी20 क्रिकेट हैदराबाद पुलिस लीग का इनॉग्रेशन हमारे गोल्डन तेलंगाना के गोल्डन सिटी पुलिस कमिश्नर सर कुछ ही देर में करने वाले हैं। आप तमाम तालियों की गोद में इस्तेमाल कीजिए, तालियां लगाइए भाई। कुछ ही देर में ये लीग का स्टार्ट होने वाला है, हैदराबाद सिटी पुलिस लीग टी20 क्रिकेट का। वेलकम सर, वेलकम सर। इनॉग्रेशन हो चुका है। नाउ आई रिक्वेस्ट और बिलावर सीपी सर प्लीज आके मैं इधर बहुत अप्रैल अंजनी कुमार साहब को मैं सौजन पुलिस तरफ से यहाँ लोन तरफ से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। रेस्पेक्टेड सीपी साहब और एक्शन सिटी लॉन्ग रेडर चौहान साहब और एमएलए नागुरपुरा मुमताज खान साहब टुकड़ा एंड बार्कस कॉर्पोरेटर्स ऑल बार्कस वेलफेयर एसोसिएशन एल्डर्स ऑल स्पोर्ट्स फर्स्ट टेंस प्लेयर्स पूरा बार्कस लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग। आपको मालूम है ये बार्कस ग्राउंड से फुटबॉल हुआ, रेसलिंग हुआ और क्रिकेट टूर्नामेंट कई टूर्नामेंट्स हुआ, बहुत सक्सेसफुल में रहा। तो पीपल फ्रेंडली पुलिस, कम्युनिटी पुलिस, यूथ जानिब से ये बहुत सक्सेसफुल रहा। आज भी हमारा सीपी साहब ये सीपी रिज्यूम चार्ज रिज्यूम करने के तुरंत वो सभी डीसीपी को फोन करके वो एग्जाम्स हो गया, थोड़ा यूथ के लिए क्रिकेट अच्छा लीग रखना है, वेरी ऑर्गेनाइज मैनर में रखना है, ऐसा करके वो अमर के जाने के बाद ट्रेनिंग को मॉनिटर करके हमको इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं। सो आज ही फॉर्मल इनॉग्रेशन हो गया। पुराना शहर में 7 ग्राउंड्स में ये पूरा 51 मैचेस हो रहा है
तो बाद में ये जोनल लेवल मैच होने के बाद वो एलबी स्टेडियम में हो जा प्ले करते। सो आज ये मीटिंग इनॉग्रल मीटिंग ब्रीफ में ये 20 मिनट में हो जाता है प्रोग्राम। बाद में थोड़ा लाइट होने में वो टास पहले मैच को हो जाता। अभी पूरा कॉर्पोरेटर मौजूद जनाब मुमताज अहमद खान साहब, जनाब अंजनी कुमार साहब, जनाब चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं पार्कस की आवाम की तरफ से और हम आप की तरफ से हम सब की तरफ से थाउजेंड पुलिस को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनाब वी सत्यनारायण साहब एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग, पीपल्स पुलिस को स्टार्ट किया और आज पब्लिक के साथ मैचेस करवा रहे हैं। तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं और मेरे विशेष देना चाहता हूं कि आप खेलिए और पार्कस का और पुराने शहर का नाम रोशन करिए। शुक्रिया। हमारे जनाब मुमताज अहमद खान साहब सीनियर मजलिस के एमएलए यापुरपुरा, हमारे जनाब सीपी साहब अंजनी कुमार साहब, जॉइंट सीपी चौहान साहब, डीसीपी एसीपी सीआई तमाम का बारकस ग्राउंड में खैर मकबूल किया जाता है और मैं हमारे सत्यनारायण साहब का मामूल मशहूर हूँ। जब से साउजन को आए हैं तब से हल्का बारकस में हर चंद वक्ता वक्ता कुछ स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स कराते हैं। सबका में फाइटर रंगे कराए, रेसलिंग का प्रोग्राम, फुटबॉल, क्रिकेट इस इसी आवाज को काम करते हुए हमारे सीपी साहब अंजनी कुमार साहब भी ओल्ड सिटी प्रोफेशनल बारकस डिवीजन में ये एक क्रिकेट टूर्नामेंट 20 का इनॉग्रेशन किया है। अंजनी कुमार साहब कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सिटी, डी एच चवन साहब अडिशनल कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सिटी, खर्जुल अजीज जनाब मुमताज अहमद खान साहब, तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। जाओ मैं भाई सलामकुम। दोस्त नए बच्चों में अपना खुशकिस्मत है हम अपना पुराना शहर का रग रग से हर इंसान का सुन से समझ से जो मालूम रखने वाला जनाब कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब जो कमिश्नर बने अपने सिटी के लिए अपन को बहुत खुशी। अंजनी कुमार साहब कमिश्नर बनने के बाद 15 दिन के अंदर साउथ ट्वेंटी सिटी श्री सत्यनारायण साहब को यह हुक्म दिया हर साल जो क्रिकेट टूर्नामेंट अपना पुराने शहर में होता है वो शुरुआत करो। वो शुरुआत जो है आज कैसे शुरुआत करो बोल के साहब को ऐलान कर दिया। अपना तेलंगाना स्टेट जो है दिल बन गया तेलंगाना स्टेट, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं तेलंगाना स्टेट के लिए हैदराबाद दिल है, हैदराबाद दिल है, हैदराबाद के लिए अपना पुराना शहर दिल है, पुराना शहर के लिए पार्कस ग्राउंड दिल है। इसलिए हर बार हमारा शुरुआत इस सर जमीन में शुरू करते हैं हर प्रोग्राम। इसका पहले क्रिकेट टूर्नामेंट करें
रेजलिंग करें, फुटबॉल करें और टूर्नामेंट जो भी है ये बारकस से हम शुरुआत करें। हर मुल्क के लिए नौजवान जो है बहुत ताकतवर बनता है, नौजवान से ही हर मुल्क का नाम होता है। सर फ्रांस हम लोग बोलते वर्ल्ड सिटी बोलते, मगर ये वर्ल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाना आप लोग का हाथ में है, हम आपके साथ हैं। शुक्रिया पूरा टूर्नामेंट के जैसे के मेहमान को खुशी जनाब श्री अंजनी कुमार आईपीएस कमिश्नर पुलिस हैदराबाद, जनाब मुमताज एमएलए साहब, कॉरपोरेटर्स और इस जलसे में आए सभी खास मौजूद मेहमान, टीम्स, प्लेयर्स और बर्खास्त की आवाम को मैं अपनी तरफ से सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी अच्छी तादाद में आके आपने इस जो जलसे का आगाज किया और इस टूर्नामेंट के आगाज करने के लिए जनाब कमिश्नर साहब ने बारकस को खास तौर से चूज किया है, जो चुना है उसके पीछे का मकसद और हैदराबाद पुलिस की मंशा आप अच्छी तरह से समझ एरिया में जो हमारे तेलंगाना की और इंशाल्लाह इंडिया की टीमें भी जा सकते हैं। ऐसे टैलेंट को हम लोग खोज के इसी टूर्नामेंट के जरिए से और उसको और आगे तक भेजने का पूरा मुकम्मल इंतजाम करेंगे, ऐसा आप सब लोगों के हौसला अफजाई से हमारा इरादा है। मैं आप सभी का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ और खासतौर से शुक्रिया अदा करता हूँ डीसीपी साउथ श्री सत्यनारायण साहब का, डीसीपी ट्रैफिक बाबूराव साहब का और तमाम अफसरान का जिन्होंने बहुत जोश से बहुत जुनून के साथ आप सब लोगों के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट के आगाज होने वाले जलसे को बेहतरीन एक अंदाज देके और इस खुशनुमा काम में एक अच्छे काम को अंजाम दिया। मैं फिर से एक बार सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए इस टूर्नामेंट के उम्मीद करता हूं कि बहुत ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होके आप इसको मुकम्मल तौर पर एक ऐसा इवेंट बनाएंगे जो सबको हमेशा याद रहे। शुक्रिया। अरे जनाब मिस्टर अंजनी कुमार साहब कमिश्नर पुलिस हैदराबाद, मिस्टर चौहान साहब जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नाइन अंडर, हमारे हरदीप अजीज सौजून डीसीपी सत्यनारायण साहब, बाबूराव साहब डीसीपी ट्रैफिक, हमारे साथी कॉरपोरेटर फहद बिन अब्दास साहब, हफीज पटेल साहब, शाह साहब, अली बागवान साहब, तमा कसरी साहब, अली बादे, हमारे एडिशनल डीसीपी पुराने शहर का अधीम इलाका है डीसीपी साउथ सत्यनारायण साहब, एडिशनल डीसीपी बाबूराव साहब, डीसीपी ऑफिसर्स, सभी एसएचओ एडिशनल इंस्पेक्टर्स, सेक्टर एसआईज, हमारे सभी कांस्टेबल ऑफिसर्स और बारकास के इस हिस्टोरिकल क्रिकेट ग्राउंड फुटबॉल ग्राउंड यहाँ पर उपस्थित आप सब हमारे दोस्तों सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। ये जब मतलब यह है कि हर इंसान के अंदर एक पुलिस है, आपने रास्ता
Right head, sir. Right head. 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 कॉर्पोरेटर लोग भूल गए सर सर ओल्ड सिटी हिस्टोरिकल बारकास ग्राउंड लो हैदराबाद पुलिस लीग 2018 ఫస్ట్ మ్యాచ్కి ఇనాగరేషన్ జరిగింది. ఈ ఇనాగరేషన్లో ఎమ్మెల్యే యాకూత్ పురా గారు, మన డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి అడిషనల్ సిపి గారు, డీసీపీ సాహు జోన్ గారు, అందరూ సీనియర్ ఆఫీసర్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు. నాకు చాలా సంతోషం, ఎంత మంచి పబ్లిక్ రెస్పాన్స్ ఉంది. హైదరాబాద్ క్రికెట్ లీగ్ 2018 ఇస్కా ఇనాగరల్ మ్యాచ్ షురూ హువా. జనాబ్ ముమతాజ్ అహ్మద్ సాహబ్, యాకూబ్పురా ఎమ్మెల్యే సాహబ్, హమ్ లోగో కే సాథ్ సీనియర్ ఆఫీసర్స్, అడిషనల్ సిపి లా అండ్ ఆర్డర్, డీసీపీ సౌత్, అడిషనల్ డీసీపీ, ఏసీపీ, సభీ పులిస్ ఆఫీసర్స్, ఆర్ సబ్సే బడీ బాత్ హై కి లగ్భగ్ 3000 स्पोर्ट्स लवर्स और जिनको हम लोग कहते हैं हमारे पार्टनर्स, पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप का यह एक नमूना आज पेश हुआ. और मुझे बहुत खुशी है कि इतने अच्छे टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन आज बारकास ग्राउंड पे हुआ. आने वाले समय में इस तरह की जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होगी, इसका सही मकसद यह है कि हम लोग पब्लिक के साथ हैं, हर समय उनके सर्विस में हैं. और पब्लिक के सर्विस को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, हमारी यही कोशिश है. मीडिया के जाने से आप लोगों से गुजारिश भी है कि जो भी आपके जहन में कोई अच्छी बात आती है, जो कि आपको लगता है पुलिस डिपार्टमेंट को फॉलो करना चाहिए, गौर फरमाना चाहिए, आप बिना किसी डाउट के हमारे डीसीपी साहब के पास आएँ, हमारे ऑफिस में आएँ. हम लोग मिलकर हैदराबाद को एक बेहतर से बेहतर शहर बनाएंगे. आने वाले समय में जब दुनिया दूसरे दूसरे चीज़ों में मशहूर रहेगी, एक ऐसी बुनियाद हैदराबाद में शुरुआत हुई है जिससे कि एक यहाँ का ब्रांड इमेज, जो इंडिया का नंबर वन लिवेबल सिटी का इमेज जो इसको मिला है, इस खिताब को हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगे. और इसमें पब्लिक की कोऑपरेशन, पब्लिक का सपोर्ट सबसे ज़रूरी है. और इसी मकसद से हम लोग यह सब एक्टिविटीज़ आज कर रहे हैं. शुक्रिया.